हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्लायट्रॉपी। स्टूडेंट, टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान, सिंपल और एमसीक्यूज के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो है बहुत अच्छा। सबसे पहली बात ये है कि स्टूडेंट, प्लायट्रॉपी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ी सी आपको एक चीज़ बताऊँ। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, मैंने चैप्टर 20 में एक टॉपिक पढ़ाया था, मैंने बताया था एक जीन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड को कंट्रोल करता है, एक जीन जो है वो एक ट्रेट को कंट्रोल करता है, सिंगल जीन सिंगल ट्रेट कंट्रोल, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब हमने फर्दर उसकी स्टडी की, प्लायट्रॉपी की, तो हमें क्या दिखने में मिलता है कि प्लायट्रॉपी में ये ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है कि सिंगल जीन ट्रेट मैनी, सिंगल जीन कंट्रोल मैनी ट्रेट, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर्स बना लूँ, ये जो क्रोमोसोम है इस क्रोमोसोम पे डिफरेंट जीन है अपने अपने लोकस पे, वो जो डिफरेंट जीन है उसमें से ये जीन जो है, पहले हम बताते थे कि मैं एग्जाम्पल कर रहा हूँ, पहले हम बताते थे कि ये जीन जो है ये आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि ये जीन शायद आई के साथ किसी और ट्रेट को भी साथ कंट्रोल करे, ठीक है। मतलब कि आई के कलर के साथ आई की शेप को, और आई की शेप के साथ जो आईब्रो हैं उनको, मतलब कि एक ही जीन अब डिफरेंट ट्रेट को कंट्रोल करता है। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं प्लायट्रॉपी, ठीक है। अब और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लायट्रॉपिक इफेक्ट, ठीक है जी। अब स्टूडेंट मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बता देता हूं, आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जो प्लायट्रॉपी में आती हैं। सबसे पहले है वाइट आई जीन। ये जो वाइट आई जीन है, ये एग्जाम्पल हम पुट करते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस के अंदर, बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीशीज ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस। इसके बारे में हम अक्सर जो है वो बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। ये जो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस है, इसके अंदर जो जीन है ना, एक तो वो क्या करता है कि उसके आई कलर वाइट शेप, हमने वाइल्ड टाइप पढ़ाई थी मैंने, एक तो उसके आई कलर की कलर को कंट्रोल कर रहा है कि आई कलर का जो है वो वाइट कलर है, और वाइट कलर के साथ साथ दूसरा वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है, स्पर्मैथिका। ये जो स्पर्मैथिका है ना, इसको ज़रा आपने गौर से सुनना है, स्पर्मैथिका। स्टूडेंट, स्पर्मैथिका बेसिकली एक पाउच है, एक थैली है जिसके अंदर स्पर्म स्टोर होते हैं। मतलब जितने भी मेल हैं, आप होमोसैपियंस की देख लें, उसके अंदर भी जो है पाउच है जिसके अंदर स्पर्म स्टोर होते हैं, टेस्टिकल में स्पर्म बनते हैं और वो आगे जाके उस पाउच के अंदर स्टोर होते हैं। तो इसी तरह ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस के अंदर एक ही जीन उसके आई कलर को, वाइट कलर को कंट्रोल करता है, साथ साथ उसकी स्पर्मैथिका मीन के उस पाउच को भी कंट्रोल कर रहा है, उसकी शेप को जिसके अंदर स्पर्म स्टोर होने हैं। ये किसकी एग्जाम्पल होगी, प्लायट्रॉपी की, सिंगल जीन कंट्रोल मैनी ट्रेट, टू एंड मैनी। उसके बाद है ग्रोथ रेट। आपको पता है कि जब बच्चा जो है, जब उसकी बर्थ होती है, बेबी की बर्थ, तो उस वक्त उसका साइज बहुत छोटा है, ठीक है। वक्त के साथ उसके अंदर ग्रोथ होती है। अब वो जो ग्रोथ रेट है उसको कंट्रोल करने वाले जो जीन हैं वो क्या करते हैं कि एक ही जीन उस एनिमल्स की हाइट को भी कंट्रोल करता है, और हाइट के साथ साथ उसके वेट को भी कंट्रोल करता है, सिंगल जीन। हमने इससे पहले, मैं बार बार बता रहा हूँ कि सिंगल जीन का हम पढ़े थे, सिंगल पॉलीपेप्टाइड या सिंगल जीन कंट्रोल सिंगल ट्रेट। लेकिन प्लायट्रॉपी में ऐसा केस नहीं है, एक सिंगल जीन कंट्रोल टू और मैनी ट्रेट्स। दो एग्जाम्पल मैंने पुट कर दी हैं, ड्रोसोफिला की एक मैंने बता दी है, एक ह्यूमन्स की बता दी है। अब ह्यूमन्स के साथ दूसरा जो है, हम तीसरी जो एग्जाम्पल लेते हैं वो है कैट की, बिल्ली की, ठीक है। ये जो बिल्ली है ना, ये जो कैट है, इसकी बॉडी के अंदर दो एलील हैं, मतलब के
एक हम कैपिटल डब्ल्यू से शो कर लेते हैं, एक हम स्मॉल डब्ल्यू से, ठीक है जी। बात ये है स्टूडेंट के एक मेरे पास कॉम्बिनेशन ये बन गया कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और तीसरा कॉम्बिनेशन है स्मॉल डब्ल्यू, तीन कॉम्बिनेशन मैंने बना दिए हैं। कॉम्बिनेशन नंबर वन, कॉम्बिनेशन नंबर टू, कॉम्बिनेशन नंबर थ्री, तीन कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, ऐसी कैट जिसमें कैपिटल डब्ल्यू आए होमोजाइगस के केस में या कैपिटल डब्ल्यू आए हेटरोजाइगस के केस में, उसके अंदर जो मेलानोसाइट सेल्स हैं, मेलानोसाइट्स ऐसे सेल होते हैं जो मेलानिन की प्रोडक्शन करते हैं, जो कलर की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, उसमें जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो एक्टिव नहीं होते, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, ठीक है। तो इसका मतलब फिर ये हो गया, अगर कैपिटल जो डब्ल्यू एलील आ जाए, ठीक है, एक तो उसकी फर जो है, उसके जो बाल हैं, उसकी जो खाल है वो बिल्कुल वाइट होगी, मतलब कि जो उसकी स्किन है, खाल जिसको हम कहते हैं, जो उसकी फर है वो बिल्कुल वाइट है, ठीक है। तो एक चीज़ हम फिर मैं यहाँ पे बता दूँ कि एक तो जी उसकी जो फर है ना, फर उसकी जो है वो प्योर वाइट होगी, ठीक है, और वाइट के साथ दूसरा क्या होगा कि उसके जो एयर है ना, कान जो है, उन कानों के अंदर, उन एयर्स के अंदर कुछ सेंस हेयर्स होते हैं, वो जो सेंस हेयर्स स्मॉल साइज के होते हैं, उनका काम होता है बाहर से जब साउंड आए तो उनको डिटेक्ट करना। जब कैपिटल डब्ल्यू होगी तो फर भी वाइट है और जो उसके हेयर्स हैं वो भी प्रोड्यूस नहीं होते, उनकी प्रोडक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से उसको हो जाता है डेफनेस। डेफनेस होता है बहरापन। अब देखें, सिंगल एक अलील थी, उसने दो ट्रेड को कंट्रोल कर लिया, एक तो उसने उसकी प्योर वाइट फर बना दी, दूसरा वो डेफनेस बहरापन भी होगी, बहरेपन का शिकार हो गई। और अगर उसमें ये कॉम्बिनेशन बनता है दोनों ही स्मॉल डब्ल्यू, तो फिर उसमें मेलानोसाइट सेल्स जो होते हैं वो स्किन को कलर देते हैं, उसके बालों को कलर देते हैं, साथ उसके ईयर्स के अंदर जो कान हैं उनके अंदर भी जो है वो हेयर्स बनाते हैं। ये कभी नोट करिएगा, हम वो कैट जो घरों में रखी होती हैं बहुत प्योर वाइट होती हैं, बहुत खूबसूरत, अक्सर नेट पे भी चेक कीजिएगा, मेरे ख्याल में जर्मन की ब्रीड है शायद ये, जो है इटालियन या जर्मन की ब्रीड है, बिल्कुल वाइट और लंबे लंबे उसके बाल होते हैं, उसको सुनाई कम देता है एक आम कैट की नस्बत। वो आपके कमरे में या आप थोड़ी सी सरसराहट करेंगे, आवाज़ देंगे, तो वो सुनेगी कम, वो आपकी तरफ देखेगी कम, लेकिन दूसरी जो कैट है, कलरफुल जो कैट होती हैं, थोड़ी सी आपने आवाज़ करनी, वो दस्ती सुन लेती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं बार बार बताता हूँ कि जब भी आप वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और नीचे कमेंट भी दें, क्योंकि आप जब ज़्यादा कमेंट देंगे तो मुझे पता चलेगा आपको समझ कितनी आ रही है और आप सीख कितना रहे हैं, ठीक है। अगली बात यह है कि वीडियो का अगर रिजल्ट नहीं ठीक आता तो टॉप पे तीन बटन, तीन पॉइंट है, उनको प्रेस करें और वीडियो की क्वालिटी को इनक्रीज़ करें और फिर आप इसको देखें, तो आपका रिज़ल्ट 100% क्लियर हो जाएगा। आज हम अपनी वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट, आज के लिए थैंक यू।